गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी का एक बिल्कुल ही नया नाश्ता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत झटपट बन के तैयार होगा, हेल्दी भी है। इसमें बहुत सारे वेजीज हमने यूज किए हैं और टेस्टी है बिल्कुल। आपको स्ट्रीट फूड के जैसा टेस्ट देगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। आप दोनों तरफ से इसको सर्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप कहीं स्ट्रीट फूड का खा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत चटपटा बनता है। अंदर से इसका टेक्स्चर देखो, बिल्कुल फ्लफी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है रवा, यानी कि सूजी। रात को मैंने सूजी को पानी में भिगो दिया था, 3-4 घंटे इसको पानी में भिगो के बस सिर्फ पानी में डाल देना है। ये फूल जाएगा, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि ये डूब जाए। आप देख सकते हैं ये पानी में बिल्कुल फूल चुका है, लेकिन पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि इस मिक्सर में हमें डालना है दही। एक कटोरी अगर आप सूजी लेते हो तो आधी कटोरी दही डालनी है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है इसको। इसमें डाल देते हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बहुत टेस्टी बनता है ये, झटपट बनता है। अच्छी तरीके से हमको इसमें दही को मिक्स कर लेना है। मिक्सचर हमारी भी थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, हल्का पानी डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके से बनानी है, थोड़ी ये ठीक ही रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली हमें नहीं करना है। हमारा ये मिक्स हो गया है, अब हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ। तो मैंने ये कुछ सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं, गाजर, हरी धनिया पत्ती, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, सबको पतले पतले टुकड़ों में हमने काट लिया है। आप चाहें तो कुछ और वेजिटेबल भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मेरे पास जो वेजिटेबल थे मैंने उसे काट लिया, टुकड़े छोटे होने चाहिए। इसके अलावा हमने लिया है कुछ मसाले, काली मिर्च पाउडर, जीरा को भून कर उसका पाउडर बनाया है मैंने, चाट मसाला। इसके अलावा हमने लेना है चिली फ्लेक्स। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, गैस को ऑन करते हैं। गैस पर तवा हमने चढ़ा दिया है, तवा को गर्म होने देते हैं। इस रेसिपी के रहने के लिए सब कुछ हमें पहले से अरेंज करके रखना होगा क्योंकि ये झटपट बनती है। गैस ऑन करने के बाद हमें कोई चीज़ नहीं ढूंढनी है, पहले सब कुछ हम प्रिपरेशन करके गैस के पास रख लेंगे तभी हम अपने गैस को ऑन करेंगे। हमने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है, गैस ऑन कर दिया। अब इसमें डालेंगे घी, आप चाहें तो ऑलवे में बना सकते हैं घी में, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। इसमें डालेंगे अपने कुछ वेजीज, लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, हरी धनिया पत्ती। इसके अलावा डालेंगे इसमें थोड़े चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स। इसके अलावा डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद हमें नमक नहीं डालना है, काले नमक से ज़्यादा चटपटा बनेगा।
बस इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मिक्स कर लिया हमने, एक जगह इकट्ठा करना है ताकि हमारा नाश्ते का शेप अच्छा आ सके। और इसमें हम डालेंगे अपना जो सूजी हमने तैयार करके रखा है, आप हाथ से डाल लें ताकि इसका शेप आपको अच्छा आए। इसको हम ढक देते हैं, पूरी तरीके से नहीं ढकना है, एक कलछी आप इधर लगा दीजिए इस तरीके से और तब ढकिए, हल्का सा ये खुला रहना चाहिए एक तरफ से, बिल्कुल पूरी तरह से इसको नहीं ढकना है, किसी भी प्लेट से आप ढके लेकिन इसको हल्का खुला रहने दें। थोड़ी देर पकने देते हैं, फ्लेम को सिम पर रखना है, तेज नहीं करना है, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा इसे खोल के इस पर हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स जिसे देखने में सुंदर लगे, और थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। वापिस ढक देते हैं, पकने देंगे थोड़ी देर से, इसको खोलते हैं। पलट लेना इसको ताकि दूसरी तरीके तरफ भी अच्छी तरीके से पक जाए। वापिस ढक देंगे, थोड़ी देर पकने देते हैं, वापस इसको खोल के पलट के देखते हैं। इसको पकने देते हैं, ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल स्वाद और सेहत से भरपूर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और सुंदर ये बनके तैयार हुआ है, जितना बढ़िया ये देखने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। इसी तरीके से अपने सारे घोल का बना लेंगे, आप देख सकते हैं सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं, जितने सुंदर ये देखने में लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने और भी लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।